কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 Yeah.
को आयो पायो जी मैंने जग में सभी को आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो सरचन कोटे जोर न लूटे करचन कोटे करचन कोटे जोर न लूटे दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन जन पायो।
भागवत समस्त शास्त्र का सार है। इनके ऊपर निर्भर करके मनुष्य का अत्यंत कल्याण संभव है। मनुष्य के लिए जैसा धर्म का अर्थ ये समझाता कि जतो प्रभुदे निश्रे सिद्धि सयव धर्म, जतो प्रभुदे निश्रे सिद्धि स्यात् सयव धर्म। धर्म मतलब हमको धार्मिक होना तो जरूर है, धर्म को मानने वाले। धर्म का अर्थ हमने अगले ही बहुत बार बात किया। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, धर्म एक ही है। धर्म का अर्थ है सनातन धर्म और सब मतवाद। तो धर्म परिपालन करने से मनुष्य के लिए मिलने वाला चीज है अभ्युदय और निश्रेय। इस दुनिया में रहते रहते अभ्युदय, अभ्युदय क्या चीज है? मनुष्य बहुत कुछ चाहते हैं, ये चीज होना, वो चीज होना। अभ्युदय का मतलब है वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड। जो कुछ अवस्था में भी मनुष्य संपूर्ण तृप्ति रख सकता, संपूर्ण तृप्त हो सकता, उसका नाम है अभ्युदय। तो दुनिया में सब लोगों को हम बिल गेट नहीं बना सकते, सब लोगों को करोड़पति नहीं बना सकते, सब लोगों को जमींदार नहीं बना सकते, लेकिन धर्म ऐसा बनाता कि सब लोगों को अभ्युदयवादी बना के उनको जिस अवस्था में भी रहे उस अवस्था में ही शांति सुख आनंद को प्राप्त करा देते। ये बड़ा बात है, क्योंकि सबको करोड़पति बनाना तो इट्स नॉट पॉसिबल। भारत में आज एनुअल घोटाला के वैल्यू है 6 लाख करोड़। इतना चोरी हो रहा है और कितना लोग कितना धन काम के लिए आ रहा है पता नहीं, अगर काम के लिए आ जाए तो उसके भी चोरी हो जाए। तो मतलब है कि अभ्युदय इस दुनिया में रहते रहते मनुष्य तो ऐसा महसूस करे कि भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया। और निश्रेयस, यहाँ से जाने के बाद अगर कोई कहते यहाँ से जाऊंगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जाने के बाद निश्रेयस अर्थात आत्यंतिक कल्याण, वहां भी कई किसी प्रकार की कमी नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा धाम है, वहां पर आ जाओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, गीता में भगवान ने जो कहा। इस जो धर्म करती है इस दुनिया में रहते रहते संपूर्ण तृप्ति, संपूर्ण शांति, संपूर्ण सुख और यहाँ से जाने के बाद संपूर्ण आनंद, दिव्य आनंद भगवान धाम में। ये देने वाला धर्म है, धर्म का सार है गीता और भागवत। आज गीता का जयंती है, इस गीता के बारे में जो कहा जाता है एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र, एको मंत्रो देव की पुत्र नामा,
कर्म अपेक्षा देव के पुत्र सेवा, अगर ये किया जाए तो मनुष्य के लिए करने का कुछ बाकी नहीं रहता, नहीं किया जाए तो और कुछ करके भी कोई लाभ नहीं होता। तो ये बात बिलो मंगल ने कहा था, तो ये प्रसन्न की महा प्रेरणा, तो ये प्रसन्न की महा प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण अगर प्रसन्न बन जाए तो दूसरों को प्रसन्नता की जरूरत क्या है? अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न न बन जाए तो दूसरों का हजारों प्रसन्नता से तुमको आने वाला है क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। ये गीता जो है भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में दिया, जो कहा जाता मध्य महाभारत पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायण स्वयं व्यासेन कृतदां पुराण मुनिना मध्य महाभारत अद्वैतामृतोर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बातामृतसुन्दरीं भगवद्गीते भगवद्देशिनीं। तो मतलब कहा गया कि मध्य महाभारत, महाभारत के बीच, महाभारत के सारे गीता, महाभारत तीन प्रकार है जैसे हमने